हेलो फ्रेंड्स, DKR 265 पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैनवास पेंटिंग के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो कैनवास पेंटिंग बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैनवास पेंटिंग जो हम नॉर्मल जो पेपर में हम पेंटिंग करते हैं उससे थोड़ी इजी जाती है, इजी लगता है उसे, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा जो पेपर होता है उसमें हमको दो कलर को मिक्स करने में बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पेपर जो होता है वो हमारा जो वाटर होता है या फिर हम ऑयल पेंटिंग यूज़ करते तो जो उसका जो ऑयल होता है उसे बहुत ही जल्दी वो सोख लेता है, खींच लेता है अपने में, जिसकी वजह से हमको कलर को जल्दी से स्प्रेड करने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब हम कैनवास पेंटिंग करते हैं, कैनवास में जब हम पेंटिंग करते हैं तब ऐसा नहीं होता है, हम दो कलर को बहुत इजीली तरीके से हम उसमें मिक्स करते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव एक नेचुरल कलर दिखती है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपने देखा होगा इस फ्लावर में यूज़ किया है ऑरेंज कलर एंड मैंने यूज़ किया येलो कलर का, येलो कलर मैंने बॉर्डर पे दिया बट मैंने उसको मिक्स करते हुए वहाँ पर लगाया है, इसलिए वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर मैंने पत्तियों को बनाने के लिए भी दो कलर यूज़ किया, एक तो पैरोट ग्रीन कलर यूज़ किया है एंड उसके जस्ट ऊपर में एक लेयर दी है येलो कलर की। इससे जो हमारा जो पत्ती है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड नेचुरल दिखेगी। तो कभी भी अगर आप पत्ती बनाते हैं तो आप तीन कलर यूज़ कर सकते हैं, डार्क ग्रीन, एक है हमारा पैरोट ग्रीन एंड बीच में हम उसका येलो, जहाँ पर हमको साइनिंग दिखानी है वहाँ पर हम येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर, वाइट कलर, हम ये कलर यूज़ कर सकते हैं साइनिंग दिखाने के लिए। वैसे ही मैंने यहाँ पर वाइट कलर हमारे ब्लू कलर के फ्लावर पे भी यूज़ किया है और मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर में भी वाइट कलर यूज़ किया है। सो फ्रेंड, आप भी ट्राई करिए कैनवास पेंटिंग और मुझे बताइए अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, डिफ़िकल्ट लगा या फिर इजी लगा। तो और मुझे आप अपना पेंटिंग ज़रूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर में, ताकि मैं भी आपकी पेंटिंग देख सकूं। और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी चीज़ें बतानी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने अगले वीडियो में उसके बारे में आपको ज़रूर क्लियर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी, जितना भी मुझे पता है मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में बताऊँगी। और मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा था कि मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं अक्सर ऑयल पेंटिंग ही यूज़ करती हूँ किसी भी पेंटिंग के लिए, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और उसमें दो टाइप के ऑयल यूज़ होते हैं, तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।